हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी। हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। दिसंबर 1988 रव राखा पुत्तर परचम के एक नौजवान साथी जिसने मोटेराम में हमारे साथ गाना गाया था कि बस से उतरते समय उसके नीचे दबकर मौत हो गई थी। उस शाम को हमने वीपी हाउस स्थित काजल घोष के घर में उसकी याद में एक श्रद्धांजलि सभा रखी थी। इस सभा के लिए सफदर को बड़े साइज में उसकी तस्वीर फ्रेम करवानी थी। इसके अलावा उसे हल्ला बोल की स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी भी करवानी थी जो उसने पिछली रात को ही पूरी की थी। इस सिलसिले में उस दिन सफदर और मैंने पूरा दिन साथ गुजारा। पहले हम महट्टा गए, कनॉट प्लेस के मशहूर फोटोग्राफर के यहाँ। सफदर ने दुकान के मालिक मदन महट्टा से थोड़ी बात की। जाहिर था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। महट्टा साहब को जब पता चला कि सफदर एक नौजवान गायक की श्रद्धांजलि सभा के लिए तस्वीर चाहता है तो वे हाथों हाथ बड़ी तस्वीर बनाकर देने को तैयार हो गए। उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया। सफदर और वे थोड़ा गपियाए और कुछ आधे घंटे के अंदर फोटोग्राफ तैयार हो गया। दिल्ली के मॉडर्न आर्किटेक्चर के शौकीन महट्टा साहब के शानदार फोटोग्राफिक योगदान के बारे में मुझे कुछ साल बाद ही पता चला। उनकी दुकान से निकलकर हम पास में म्यूनिसिपल मार्केट में मोती फ्रेम्स गए। इसके मालिक एक बुजुर्ग सरदार जी थे, सफदर उन्हें भी जानता था। बाद में मालूम चला कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद सफदर ने इनके परिवार की कुछ मदद की थी। सरदार जी ने फ्रेम चढ़ाने के लिए एक घंटे की मोहलत मांगी। मोती फ्रेम्स के आसपास की दुकानों में फोटोकॉपी करवाने के बजाय हम शंकर मार्केट गए। सफदर बोला, भूख लगी है, चल डोसा खाते हैं और दिल्ली की सबसे बढ़िया फिल्टर कॉफी भी। अब ये मत कहना कि डोसे वाला और कॉफी वाला भी तुम्हारा दोस्त है। सफदर हंस पड़ा, वो वाकई सफदर का दोस्त था। ये छोटी सी काउंटर नुमा दुकान थी जहां लोग बाहर खड़े होकर ही खा सकते थे। सफदर को देखकर दुकानदार की आंखों में खुशी साफ जाहिर थी। जब हम इप्टा में थे ना तो यहां कॉफी पीने आया करते थे। मैंने तुझे बताया ना कि इप्टा वालों ने हमें कैसे निकालकर बाहर फेंक दिया था। नहीं वाकई? तो फिर चल, मैं तुझे 33 शंकर मार्केट दिखाता हूं। सफदर किस्सा गोई में उस्ताद था। उस दिन उसने पूरा किस्सा मुझे बड़े रोचक ढंग से सुनाया, कैसे उन्होंने इप्टा को दोबारा जिंदा किया, वो श्यामल मुखर्जी को कितना पसंद करता था, श्यामल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु से किस तरह बेजार था, किस तरह उन्होंने दफ्तर पर नियंत्रण किया, जब उन्हें बाहर फेंका गया तो किस तरह उन्हें अपनी ही खुराक का स्वाद पता चला, किस तरह उनके साजो सामान पहली मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक दिए गए थे। इस सब के बीच में छोटे छोटे किस्से आते जिन्हें सुनकर मैं लोटपोट हो रहा था। सफदर अपने रंग में था और उसको एक उत्सुक श्रोता मिला हुआ था। उसने जन्म के शुरुआती दिनों की एक से एक कहानियां सुनाई। उसने बताया कि किस तरह अमरोहा में विनोद नागपाल ने अपने गाने से लोगों को शांत कर दिया था और इस सब के दौरान सफदर अलग अलग लोगों की नकल करता, नाटकों की लाइनें सुनाता, गाने लगता। वापस आकर हमने मोती फ्रेम से अपना फ्रेम लिया। सरदार जी ने हमसे पैसा लेने से इनकार कर दिया। ओहो पापा जी, आप अगर ऐसा करेंगे तो मुझे यहां आना बंद करना पड़ेगा। पुत्र, ये तस्वीर उस मुंडे के घर वालों को दे आना, इस बूढ़े के आशीर्वाद के साथ। खैर, जब आप कहते हैं तो मैं भला इनकार कैसे कर सकता हूं, मगर अगली बार देखेंगे देखेंगे। रब राखा पुत्र। एक सवा साल बाद मैं फिर मोती फ्रेम्स गया। इस बार खुद सफदर का फोटो फ्रेम करवाने। तुम उसे जानते थे?
सरदार जी ने सफदर की फोटो पर प्यार से उंगलियां फिराते हुए पूछा। जी सर। आपको याद है आखिरी बार जब वो यहां आया था? उस दिन मैं था उसके साथ। अरे हाँ, किसी की श्रद्धांजलि सभा थी उस दिन। किसे पता था? रब अच्छे लोगों को पहले उठा लेता है। उनकी आंखों में नमी थी। इस बार भी उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। दिसंबर 1988, ख्वाब दर ख्वाब। हम फ्रेम लेकर शंकर मार्केट से वीपी हाउस पैदल गए। जाड़ों में पैदल चलने का अपना सुख है। सफदर के किस्से मुसलसल जारी थे। पार्टी दफ्तर में कॉमरेड से फटाफट दुआ सलाम करने के बाद सफदर ने पूछा, भूख लगी है नहीं? चल पीटीआई कैंटीन में कुछ खाकर आते हैं। जब हम खा चुके तो उसने किसी मेहनतकश इलाके में एक सांस्कृतिक केंद्र खोलने के अपने सपने के बारे में बताना शुरू किया। हम ना थोड़ी सी जमीन खरीदेंगे, उसके एक हिस्से में बागवानी करेंगे, खुद अपनी सब्जियां उगाएंगे। हमारे पास कारपेंट्री की एक वर्कशॉप होगी, बिजली की भी, फिल्म मेकिंग का सामान होगा, एडिटिंग रूम होगा। इस फील्ड में मेरे बहुत से दोस्त हैं, हम उनसे कहेंगे कि वो हमें सिखाएं। उनसे ट्रेनिंग लेकर हम लोकल वर्किंग क्लास के नौजवानों को ट्रेनिंग देंगे। वर्किंग क्लास के पास अपनी कहानियां कहने के लिए साधन होने चाहिए। हम जिन बच्चों को सिखाएंगे वे खुद बाद में ट्रेनर बन सकते हैं। हम सब साथ रहेंगे, जन्म के लोग, एक कम्यून जैसा होगा, और हम सब थिएटर किया करेंगे। अभी की तरह नहीं जब हम सिर्फ शाम को मिलते हैं, हम पूरे दिन थिएटर करेंगे, खुद को प्रशिक्षण देंगे और सीखेंगे, मुकम्मल थिएटर कलाकार बन जाएंगे। हम पूरे हिंदुस्तान से आने वाले लोगों को नुक्कड़ नाटक का प्रशिक्षण दिया करेंगे। सफदर, आइडिया तो कमाल है, पर इसके लिए पैसा कहां से आएगा? अरे मैं कमाऊंगा, मुझे टेलीविजन और फिल्मों में लिखने के ऑफर मिलने लगे हैं। फिलहाल तो मुझे वो रिजेक्ट करने पड़ते हैं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। अगर मैं इन ऑफर्स पर हां कर दूं तो पैसे का ढेर लगा दूंगा। पर सफदर, अगर तुम ये सब करने लगोगे तो जन्म कौन चलाएगा? तुम चलाओगे? तुम सब लोग? कितने सारे लोग हो तुम? सब नौजवान हैं, सबके पास नई सोच है, इतनी सारी प्रतिभा है। शायद मेरे चेहरे पर शंका के भाव थे क्योंकि अब उसकी आवाज में एक संजीदगी थी। मैं सीरियस हूं भाई, मैं राकेश, ब्रिजेंद्र, शिखा, जोगी, तुम सबको जन्म के नए नेताओं के तौर पर देख रहा हूं। माला, ललित, कालिया, मैं, हम सब तो साथ रहेंगे ही, मगर बागडोर तुम लोगों को संभालनी है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास निर्देशन की प्रतिभा है, तुम बढ़िया एक्टर हो, लिख भी सकते हो, बस हिंदी थोड़ी और सुधारनी होगी। तुम्हारे पास संगठन की समझ है, मेरे ख्याल में राकेश भी डायरेक्टर बन सकता है, मैं उसे अपने टेलीविजन के कामों में साथ रखूंगा। ब्रिजेंद्र और शिखा को संगठन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जोगी तो कमाल का टैलेंट है ही, बिना पॉलिश के नगीने जैसा, जैसे त्यागी था। और भी कितने लोग हैं, नंदिता, जॉय, लैम्बी। उसी साल फरवरी में लाहौर की वर्कशॉप में भी सफदर ने मेहनतकश इलाके में सांस्कृतिक केंद्र का आइडिया इन शब्दों में पेश किया था। But now we are working towards a plan which is in fact quite ambitious. We are working towards making our own theater, a regular theater of the group in a working class area. उसके लिए हम funds raise कर रहे हैं, उसके लिए ढाई साल का हम लोगों ने एक स्कीम भी उठाई है। It is a huge amount that we have to raise in tens of lakhs. Our idea is that in the working class locality in Delhi, we will be setting up our own theater around
1990 में भी 1 or 2 years और शायद लग जाएं, और उसमें उस थिएटर के अंदर देर विल बी प्रोविजन फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टेजेस, प्रोसीनियम स्टेज, थ्रस्ट स्टेज, थिएटर इन द राउंड. वहाँ पे विल देन स्टॉप वर्किंग ऑन द एमेच्योर बेसिस ऑन विच वी आर वर्किंग नाउ. हम तमाम लोग मुख्तलिफ जगह काम करते हैं और अपने खाली वक्त में हम लोग थिएटर करते हैं. दैट व्हेन दैट काइंड ऑफ थिंग कम्स अप वी वुड बी वर्किंग एज प्रोफेशनल्स और होल टाइमर्स फॉर इन द थिएटर. वी विल बी सेटिंग अप अ रेपर्टरी एक्चुअली जो कि विच वुड स्टिल बाई एंड लार्ज कन्फाइन इटसेल्फ टू वर्किंग अमंग द वर्किंग क्लासेस. और इसी थिएटर को हम एक ट्रेनिंग सेंटर की भी शक्ल देंगे जहाँ पे कि दूसरे पीपल थिएटर एक्टिविस्ट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, स्ट्रीट थिएटर एक्टिविस्ट ऑल्सो, दे विल बी एबल टू कम देयर एंड वी विल बी एबल टू होल्ड वर्कशॉप एंड इन्वाइट अदर पीपल टू होल्ड वर्कशॉप विद अस. एंड देयर वी वुड लाइक टू डू ऑल काइंड ऑफ प्ले. फॉर एग्जाम्पल, वी वुड लाइक टू डू ग्रीक ट्रेजेडीज एंड शेक्सपियरियन प्लेस फॉर द वर्कर्स. इस बारे में उसने औरों से भी बात की थी. उसने अपनी योजना के बारे में हबीब साहब को बताया था. उसने सुहेल से और पुशी से भी बात की थी. पुशी ने उसे खरे खरे लहजे में कहा था कि उसका ये सोचना नादानी होगी कि वो जन्म और पार्टी का काम करने के साथ साथ फिल्मों का काम कर सकता है. He decided he wanted to go to Bombay. And his logic was that let me earn some money and get that money and then we'll have a cultural center where we can really train people, you know, in proletarian art and take it down to the people. So I still remember trying to dissuade him that people tree outside room 22, the old SFI office. So I told him, you're making a mistake. And why is that? I told him, you will be swept away. My assessment is, you will be swept away by the glitter of Bombay and the film industry over there. And you will not know when you get co-opted. So we don't want to lose you. Zahir hai Safdar unki baat se sehmat nahi tha. जब मैंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी से बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि 1988 के दिसंबर में सफदर ने उन्हें एक लिखित नोट दिया था. येचुरी ने उसे आश्वासन दिया था कि जनवरी 1989 में त्रिवेंद्रम पार्टी कांग्रेस से लौटने के बाद वे पार्टी में इस पर चर्चा करेंगे. बृंदा कारात भी इस नोट के बारे में बताती हैं. I had a very detailed discussion, very detailed discussion, because he at that time felt that he had contributed whatever he could for the group and he was confident that that work could go forward. But he felt that he wanted to contribute to a wider area on the basis of that experience, a cultural center, so to speak, with a multi aspects and multi forms. That was his idea and he was very keen on it. And as far as I remember, he wrote a note also, and he had given it to the party at that time. Tell you, I read that note, and it was a visionary note in that sense. But at that time, being in charge of the branch and knowing Safdar's, you know, the issues which were there, and, you know, the different aspects that he was facing, I mean, I had tremendous empathy and sympathy with what he was doing, but I felt that, you know, Janam needed him still. So I was saying that how is it possible for a combination of these things? And so we were in the course of that discussion. And he was trying to convince me and everybody else was around that, you know, this is absolutely essential for a more lasting impact. But, well, it was an unfinished discussion. And it was an unfinished debate. But माला को याद है कि सफदर और वो एक दफे मंगोलपुरी गए थे. वहां उन्होंने जमीन भी देखी थी. सफदर गॉट एन आइडिया. ही ऑलवेज हैड ग्रैंड प्लान्स. ऑलवेज. आई मीन दिस सेंटर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस वाज अ ड्रीम अनडाउटेडली. एंड दिस इज समथिंग दैट इट वाज अ सीरियस ड्रीम. बट इट वाजंट अ प्रैक्टिकल ड्रीम. ही इज सेइंग दैट आई यू नो अर्न मनी एंड ऑल. इट वाज एन आइडिया. दैट डिडंट मीन दैट ही वाज रेडी टू लीव एवरीथिंग एंड गो ऑफ टू बॉम्बे एंड यू नो give up Janam, give up his party work, give up everything in the movement, the left democratic cultural movement. And no, he didn't think quite like that. But at the same time, I am quite certain, knowing Safdar, that
he may have mentioned to something, yeah, this would, somebody would have said, don't you think this would mean, do you know script writing takes time? He said, ah, yeah, script writing would take time. Ah, so something. So this would be like one of those, you know, hypothetical situations, two people who are talking about an idea. I am very, very clear about it. I certainly have no, not just memory, but I know that with we, Sabdar and I, either as two people or in Janam, did not talk about the actual planning of the center. To go and see that place was because at that time it was a fresh idea, and we felt, because he was writing Kilti Kaliya, that's when, you know, there was money. The idea for a center may have been even before that, that, you know, there should be something like this. But that was a theoretical idea, that there should be a left cultural center. माला के हिसाब से कल्चरल सेंटर से पहले उसके दिमाग में जो बात ठोस रूप ले चुकी थी वो थी एक मेहनतकश इलाके में कल्चरल फेस्टिवल आयोजित करने की योजना। उसने इसके लिए जनोत्सव नाम सोचा था। वो चाहता था कि बड़े बड़े कलाकार अपना फन और हुनर मजदूरों के बीच में लेकर आए। ये काम जन संगठनों के साथ मिलकर किया जाना था। आखिरकार 1990 में मंगोलपुरी में सहमत की देखरेख में जनोत्सव आयोजित किया गया। फिर 2012 में जन्म ने पश्चिमी दिल्ली के शादीपुर में स्टूडियो सफदर की स्थापना की और इस तरह कल्चरल सेंटर अस्तित्व में आया। स्टूडियो सफदर आज दिल्ली का अहम वैकल्पिक सांस्कृतिक केंद्र है। इसी से सटा हुआ मेडे बुक स्टोर है जो लेफ्टवर्ड बुक्स ने खोला है। दिसंबर 1988 आखिरी महीना। इसी में हमने चक्का जाम अभियान की विस्तृत समीक्षा की। चर्चा के बाद मैंने समीक्षा रिपोर्ट लिखी थी जिसमें यह दर्ज है कि जन्म के अब तक के सबसे सफल अभियानों में से यह एक था। 2 नवंबर से 21 नवंबर के बीच हमने 16 दिनों में कुल 29 परफॉर्मेंसेस की थी। 27 परफॉर्मेंसेस सीधा हड़ताल के लिए की गई थी। ये परफॉर्मेंसेस मजदूर बस्तियों और औद्योगिक इलाकों में की गई थी। हमने एक शो JNU में और एक अलवर राजस्थान में किया। मुझे याद नहीं पड़ता कि अलवर हम किस सिलसिले में गए थे। हमने कुल 18,000 से 19,000 लोगों से सीधे संपर्क किया और 3,641 रुपये 77 पैसे चंदा इकट्ठा किया। हमारा खर्चा लगभग 800 रुपये के आसपास बैठा था। इस तरह हमारे पास 2,841 रुपये 77 पैसे बचे थे, जिसमें से आधा हमने C2 को चंदे के रूप में दिया। इसके अलावा हमने 1,100 रुपये 2 अन्य परफॉर्मेंसेस से भी जमा किए जो अभियान से अलहदा थी। समीक्षा में कलाकारों और बुद्धिजीवियों के मजदूरों के समर्थन में निकाले गए जुलूस में जन्म की भूमिका को नोट किया और ये भी कि जुलूस से प्रेस कवरेज तथा हड़ताल के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में फायदा हुआ। समीक्षा में विभिन्न अभिनेताओं के काम का आकलन किया गया। चूंकि ज्यादातर भूमिकाओं के लिए 2-2 अभिनेताओं को तैयार किया गया था, इसलिए हर किरदार के लिए एक तुलनात्मक आकलन किया जा सकता था। उदाहरण के लिए रिपोर्ट कहती है, सुधन्वा, आयशा और लैम्बी के मुकाबले जोगेंद्र, नंदिता और राकेश ने अपने अपनी भूमिकाओं में बेहतर काम किया। और ये भी कि एक ही बार क्यों ना हो, मैंने पुलिस वाले का रोल बढ़िया किया। केवल माला और शिकमा 2 अदाकार थीं जिन्होंने सभी 29 शो में हिस्सा लिया और शुरू से अखीर तक बेहतरीन अदाकारी का परिचय दिया। 2-2 शो में सफदर ने रियाज और ब्रिजेंद्र की जगह अभिनय किया और बहुत बढ़िया काम करके दिखाया। समीक्षा में बताया गया कि माला, विनोद और मैं, हम 3 लोग परफॉर्मेंस से पहले बोलते थे और हड़ताल के दौरान होने वाली विभिन्न कार्रवाइयों में जन्म के कम से कम 10 कॉमरेड्स ने प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सा लिया। जो लोग नाटक से सीधे जुड़े हुए नहीं थे, उन्होंने अभियान में कोई हिस्सा नहीं लिया और इसे सांगठनिक विफलता के रूप में दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तीखी आलोचना परफॉर्मेंसेस के पहले और बाद में अभिनेताओं के व्यवहार को लेकर मिलती है। न केवल अभिनेताओं ने स्थानीय कॉमरेड्स के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि हम मध्यम या उच्च मध्यम वर्गीय एक्टर्स का एक झुंड दिखाई देते थे जिसके पास परफॉर्मेंस के अलावा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं था जिनके लिए हम परफॉर्म कर रहे थे।
ये रवैया हमें उन लोगों से अलग थलग कर देता है जिनसे हमें अपनी कलात्मक और राजनीतिक खुराक मिलती है। कॉमरेड भारद्वाज ने जन्म को एक पत्र लिखकर अभियान में हमारी भूमिका की सराहना की। उन्होंने एकजुटता में निकाले गए जुलूस के लिए हमें धन्यवाद दिया। उन्होंने सफदर द्वारा हड़ताल के लिए तैयार किए गए दो पोस्टरों का भी जिक्र किया। सफदर ने हमें बताया कि मजदूर वर्ग के उत्साह को देखते हुए अब सीटू अपने संघर्ष को और तेज करना चाहता है, लिहाजा सफदर का प्रस्ताव था कि हम चक्का जाम को हड़ताल के बाद के हालात के हिसाब से फिर से तैयार करें। दिसंबर की शुरुआत में हम में से कुछ लोग एक शाम को लक्ष्मीबाई नगर में माला और सफदर के घर में जमा हुए नाटक में फेरबदल करने के लिए। हमने संभावित बदलावों पर चर्चा की। कुछ बदलाव तो मामूली थे, जैसे अभी तक जोगी अशोक के पिता को बताता है कि मजदूर हड़ताल की योजना बना रहे हैं, मगर अब वो उस हड़ताल की बात करेगा जो अभी अभी खत्म हुई है। रिवर्सल वाले आइडिया को सफदर कायम रखना चाहता था, लेकिन चाहता था कि हम लोग इसके लिए एक नया सीन तैयार करें। जोगी, ब्रिजेंद्र, ललित और मैं कागज पेन लेकर कंबलों में घुस गए और पूरी संजीदगी से ये दिखावा करने लगे कि हम लिखने के प्रति कितने समर्पित हैं। कुछ घंटे बाद भी हमारे कागज कोरे के कोरे। मगर इसी बीच सफदर ने हमारे लिए चाय बनाने के साथ साथ सीन भी लिख डाला था। अब नए सीन में पुलिस वाले जोगी को पीटते हैं और वो जख्मी हो गया है, मगर वो लाल झंडा थामे हुए है। दूसरी यूनियनों का प्रतिनिधित्व कर रहे चार किरदार उस पर फिक्रे कसते हैं। क्यों भाई, आ गए होश ठिकाने? कैसी लगी पुलिस की मार? हवालात में ढुल्लों ने रोटी वोटी भी दी या भूखा प्यासा ही पड़ा रहा? अरे सीटू वालों ने जेल में चक्की भी पिसवा दी बेचारे से। झाड़ ले पल्ला सीटू वालों से, हम में से किसी की भी यूनियन में आ जा, या तो चक्कर ही छोड़िए यूनियन बाजी का। तुझे कोई परेशानी हुई तो हम हैं ना। वे उससे झंडा छीन लेते हैं। जोगी के हाथ में सिर्फ डंडा रह जाता है। अब जोगी उनकी तरफ मुड़कर गुर्राता है, खबरदार गद्दारों, मालिकों के दलालों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मजदूरों के झंडे को अपने नापाक हाथों से छूने की? इस बिंदु पर आकर दूसरे एक्टर दखल देते हैं और जोगी को रोकने की कोशिश करते हैं। वे उसे याद दिलाते हैं कि उन्हें सीटू के खिलाफ नाटक करना है। अब अदाकार जोगी और किरदार जोगी दोनों एक हो जाते हैं। वो कहता है, नहीं, मैं नहीं करूंगा सीटू के खिलाफ नाटक। सीटू की यूनियन मेरी यूनियन है, सीटू का झंडा मेरा झंडा है। वो दूसरी यूनियनों की कलई खोलता है और पूछता है कि उस समय वे लोग क्या कर रहे थे जब मजदूर इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। वो चट्टान की तरह डटकर खड़ा हो जाता है। वो पुलिस की धमकियों से नहीं डरता, न मालिकों और उनके गुंडों के डराने से डरता है। आखिरकार पुलिस नेता और उसके चेले को एक्टर वर्करों की एकता के सामने दुम दबाकर भागना पड़ता है। बाकी नाटक कमोबेश चक्का जाम जैसा ही रहा। सफदर ने नए संस्करण को हल्ला बोल का नाम दिया। हल्ला बोल कई निगेशंस यानी नकारों की एक श्रृंखला के रूप में सामने आता है। नारेबाजी के नाटक को नकार कर प्रेम कथा शुरू होती है। जब प्रेम कथा हड़ताल की तरफ मुड़ जाती है तो उसे नकार कर हड़ताल के खिलाफ नाटक किया जाता है। जब पुलिस वाला इसका विरोध करता है तो जोगी ये कहकर इसे नकार देता है कि वो ट्रेड यूनियन के खिलाफ नाटक नहीं कर सकता। जब गार्ड पार्वती को बच्चे के साथ फैक्ट्री में दाखिल नहीं होने देता तो कुछ ट्रेड यूनियन नेता उसकी मांग को संघर्ष की मांगों में शामिल करने से इनकार कर देते हैं और नाटक ऐसे ट्रेड यूनियन नेताओं की सोच को नकार देता है। अंत में महिलाओं और ठेका मजदूरों की मांगों को भी संघर्ष में शामिल किया जाता है। नाटक उसी तरह खत्म होता है जैसे उसे शुरू होना था, नारों के साथ। मगर अब न केवल नारों में पहले से ज्यादा वजन आ गया है, बल्कि वे घिसे पिटे नहीं लगते। ये नए नारे हैं, खास तौर से नाटक के लिए लिखे गए। यही कारण है कि ये नए नारे शायराना सुनाई पड़ते हैं, यांत्रिक अनुष्ठानों के साथ चलने वाले मंत्रोच्चार जैसे कर्कश नहीं लगते।
नाटक में पैरोडी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया गया है। जब पुलिस वाला ये सुझाव देता है कि एक्टरों को लव स्टोरी पेश करनी चाहिए, तो वो एक पुराने हिंदी फिल्मी गाने की पैरोडी गाने लगते हैं। इस प्रकार आगे आने वाली पैरोडी के लिए माहौल बनता है। इस गाने से लेकर जोगी पिता वाले दृश्य के लगभग अंत तक नाटक में स्टीरियोटाइप्स की भरमार है। शर्मीली लड़की, दिलेर लड़का, दबंग पिता, फिक्रमंद माँ, ये सभी हमारी फिल्मों के चिरपरिचित पात्र हैं। मगर इसके बाद एक पैरोडिक अंदाज में सफदर इन सारे स्टीरियोटाइप्स को सिर के बल खड़ा कर देता है। शर्मीली लड़की अपने रिलेशनशिप की बागडोर संभालकर कथानक को आगे बढ़ाती है। दिलेर लड़का पिता के सामने डर जाता है। पिता कुछ भोला सा निकलता है, जो ये भांपने में चूक जाता है कि क्या होने जा रहा है। मां के पास दुनियादारी की पैनी नजर है। अंत में जब लड़का फिर से अपनी बात पर अड़ जाता है, तो लड़की का पिता डरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसमें दर्शक हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। जन्म के इससे पहले के नाटकों में शब्दों का खेल और ह्यूमर तो खूब था, मगर चक्का जाम हल्ला बोल पहला नाटक था जिसमें इस तरह का फार्स है। हम में से किसी को भी, शायद सफदर को भी, उस वक्त इसका अंदाजा नहीं था, मगर यह हबीब साहब से जन्म को मिला एक बेशकीमती तोहफा था। एक मजाहिया विचार के बीच को लेकर उसे उसके अतार्किक परिणति तक ले जाना क्या होता है, ये हमने उनसे सीखा। दिसंबर के मध्य में हमने हल्ला बोल के शो शुरू किए। 20 दिसंबर को हम राजस्थान के चूरू जिले में स्थित सरदार शहर गए, जहां हमने एक लेखक सम्मेलन में औरत और हल्ला बोल परफॉर्म किए। 31 दिसंबर को जन्म का ओखला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित तेहखंड मोड़ पर हल्ला बोल का शो था। इस परफॉर्मेंस में मैं नहीं गया था, क्योंकि मैंने इम्तिहानों की तैयारी के चलते जन्म से छुट्टी ले ली थी। हालांकि मैं कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा था। उस दिन शाम को पुशी और सफदर के बीच बहस हुई, क्योंकि पुशी ने जो जगह शो के लिए मुकर्रर की थी, वहां सफदर ने शो करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि यहां तो हम पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं, सो हमें कोई नई जगह पर परफॉर्म करना चाहिए। इंदिरा कल्याण कैंप इन फेज वन, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दैट शो वाज हेल्ड वन डे बिफोर सफदर वाज किल्ड। दैट इवनिंग वी जन्म परफॉर्म्ड इंदिरा कल्याण कैंप ऑन वन साइड। आई स्टिल रिमेंबर साइजेबल नंबर ऑफ पीपल, and unfortunately I had a fight with Safdar that day. The reason being that that spot where that play was being held, Janam had already performed there. He wanted to perform in some other place. Safdar just got wild. We will perform here. What the hell do you mean, etc. All that went on. आखिरकार सफदर की बात मान ली गई, क्योंकि बकौल पुशी वो जिद पकड़ लेता था तो किसी की नहीं सुनता था। बेचारे पुशी। सफदर के साथ उनकी आखिरी दोनों मुलाकातें बहस में खत्म हुई। उस रात ललित, ब्रिजेंद्र, राकेश, जोगी और ललित के कुछ दोस्त जेएनयू कैंपस में नया साल बिताने मेरे पास आए थे। अगली सुबह 1 जनवरी 1989 को हम झंडापुर गाजियाबाद में परफॉर्म करने के लिए साथ निकले। दिल में उमंग लिए, मस्ती से झूमते, आने वाले भूचाल से बेखबर। जिन्हें यकीन नहीं था। नुक्कड़ नाटक को सामाजिक बदलाव का थिएटर माना जाता है। अगर ऐसा है तो प्रश्न ये उठता है, नुक्कड़ नाटक क्या बदलता है? ये ऐसा प्रश्न है जो नुक्कड़ नाटक से जुड़े हम सब लोगों से रह रहकर पूछा जाता है।
हमारे नाटक से क्या बदला है? इसका संक्षिप्त उत्तर है, कुछ भी नहीं। ऐसा कतई नहीं होता कि आप एक नुक्कड़ नाटक करेंगे और उसे देखने वाले रातों रात बदल जाएंगे या अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कसम खाएंगे। मगर सारे संक्षिप्त उत्तरों की तरह यह भी केवल एक अर्ध सत्य है। वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप जाति के मुद्दे पर नुक्कड़ नाटक करते हैं, क्या इससे जाति अचानक गायब हो जाएगी? नहीं। क्या आपके नाटक को देखने वाले लोग यह तय कर लेंगे कि अब वे जातिवाद नहीं फैलाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ओके, शायद सभी दर्शक नहीं, तो क्या कुछ लोग जातिवाद छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ओके, चलो थोड़ा और छोटे पैमाने पर देखते हैं, क्या कुछ लोग अपनी जिंदगी को नाटक में दिखाए गए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन बहुत थोड़े लोगों के लिए। समाज को बदलने के लिए जरूरी तादाद में बिल्कुल नहीं। पाउलो फ्रेरे ने कहा था, शिक्षा समाज को नहीं बदलती, शिक्षा लोगों को बदलती है और लोग समाज को बदलते हैं। ये बात थिएटर के बारे में भी कही जा सकती है और सामान्य रूप से कला के बारे में कही जा सकती है। थिएटर समाज को नहीं बदलता, लोगों को बदलता है और लोग समाज को बदलते हैं। मगर यह बात भी जिस हद तक शिक्षा के बारे में सच है, थिएटर और कला के बारे में उस हद तक सच नहीं है। शिक्षा तुलनात्मक रूप से काफी कम समय में लोगों में बदलाव ला सकती है और लोग समाज को बदल सकते हैं। कितना कम समय? यह समय एक दशक जितना छोटा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक समूचा वंचित समूह, मान लीजिए कि दलित लड़कियां, स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो एक दशक के भीतर आपको समाज के रवैये में बदलाव के बीच दिखाई देने लगेंगे, या कम से कम वो एक सकारात्मक दिशा में देखने लगेगा। थिएटर और कला का असर आने में कहीं ज्यादा समय लगता है। ऐसे में मझौला उत्तर ये हो सकता है, थिएटर कुछ लोगों को बदल सकता है और वे एक परिवर्तनशील समाज में एक भूमिका अदा कर सकते हैं। मगर यहां कारण और प्रभाव के बीच संबंध स्थापित करना कठिन है, और चाहे जो भी बदलाव आए, वो थिएटर के साथ साथ असंख्य दूसरी चीजों से भी प्रभावित होगा और निश्चित रूप से शिक्षा के मुकाबले काफी लंबा समय लेगा। जाहिर है कि ये उत्तर संतोषजनक नहीं है। अगर बदलाव को साबित करना इतना कठिन है, तो सामाजिक परिवर्तन के लिए रंगमंच का हंगामा ही क्यों करें? कार्ल मार्क्स की सबसे मशहूर उक्तियों में से एक ये थी, दार्शनिकों ने दुनिया की व्याख्याएं की हैं, मगर मसला उसे बदलने का है। यह फॉयरबाख पर मार्क्स की 11वीं थीसिस से है। मार्क्स की इस थीसिस की व्याख्या कैसे करें? क्या मार्क्स दुनिया की व्याख्या या दुनिया को समझने और उसको बदलने के बीच एक अंतर्विरोध खड़ा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यह स्वतः स्पष्ट बात है कि आप किसी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप उसे समझते नहीं हैं। तो क्या मार्क्स का कहना यही है कि दुनिया को समझने की क्रिया खुद ब खुद परिवर्तन को जन्म देने लगेगी? यानी क्या दुनिया की व्याख्या ही उसे बदलने का सूत्र है? नहीं, यह तो कतई सही नहीं लगता। हालांकि कुछ बुद्धिजीवियों को इसमें बड़ा सुविधा महसूस होता होगा। सिर्फ दुनिया की व्याख्या करने से वो नहीं बदल जाएगी, चाहे आपकी व्याख्या कितनी भी सटीक क्यों ना हो। तो फिर थिएटर क्या कर सकता है? एक बात, थिएटर आत्मविश्वास दे सकता है। समाज में सकारात्मक बदलाव के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावटें आती हैं, उनमें से एक रुकावट हमारा ये विश्वास है कि हम चाहे जो कर लें, कुछ बदलने वाला नहीं है। तमाम साक्ष्य और अनुभव बताते हैं कि यह धारणा गलत है। इसके बावजूद ये धारणा बेहद मजबूत है। हम जानते हैं कि लोगों ने न जाने कितनी तरह से
कितनी तरह के मूल्यों के लिए संघर्ष किए हैं और कई बार वे कामयाब रहे हैं। हिंदुस्तान की आवाम ने उपनिवेशवाद से आजादी की लड़ाई लड़ी और कामयाब हुए। इसमें एक सदी से ज्यादा समय लगा और हमें जो आजादी मिली वो ठीक वैसी नहीं थी जैसी उस संघर्ष में शामिल कई लोग सोचते थे। मिसाल के तौर पर बाबा साहब अंबेडकर इस बात को लेकर चिंतित थे कि हमारे गणतंत्र में एक व्यक्ति को एक वोट के बराबर तो रखा गया है, मगर एक व्यक्ति के समकक्ष नहीं था। कहने का मतलब यह है कि निर्वाचन व्यवस्था के तहत नागरिकों के बीच औपचारिक समानता तो निश्चित रूप से एक बहुत जबरदस्त और मूल्यवान प्रगति थी, मगर इससे सामाजिक और आर्थिक संबंधों में समानता स्थापित नहीं हुई। और अब जबकि इस बात के अकाट्य सबूत मौजूद हैं कि भारत के लोगों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करके निश्चित रूप से उससे आजादी पा ली है, तब भी बहुत सारे लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि सामाजिक या जेंडर आधारित अथवा आर्थिक समानता के लिए संघर्ष करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसी समानता कभी आने वाली नहीं है। शासक वर्ग यही चाहते हैं कि हम इस सोच को अपना लें। वे चाहते हैं कि हम बदलाव में कभी विश्वास न रखें, या हम सिर्फ उन बदलावों के प्रति विश्वास रखें जो सत्ता की गद्दियों पर बैठे लोग लागू करते हैं, मगर नीचे से आने वाले बदलावों का क्या? नहीं, सत्ताधारी वर्ग हमें बताते हैं कि नीचे से बदलाव नहीं आया करते। हमारे समाज में ये सोच इस कदर फैल चुकी है कि लोगों को ऐसी चीजें बदलने से भी रोक देती है जो वे आसानी से बदल सकते हैं। इसीलिए मार्क्स कहते हैं कि किसी भी दौर के निर्णायक विचार शासक वर्ग के विचार होते हैं। मगर मार्क्स ने कुछ और भी कहा था। विचार उस समय एक भौतिक बल अर्जित कर लेते हैं जब वे जनता के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। ब्रेख्त ने इसी विचार को अपने खास ढंग से व्यक्त किया था। सदियों से यह कहावत चली आ रही है कि हमारा विश्वास पहाड़ों को भी धकेल सकता है। यहां आशय ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास से है, यानी अगर तुम अपनी पूरी चेतना एक सर्वशक्तिशाली इकाई के सामने समर्पित कर दो तो वो इकाई तुम्हारे लिए चमत्कार कर देगी। ब्रेख्त ने इसी विचार को उलटकर उसके सिर पर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, संदेह पहाड़ों को भी हिला सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो चीज अकाट्य और अचल दिखाई देती है, जो चीज स्थायी और प्राकृतिक दिखाई देती है, वो दरअसल परिवर्तनशील और तात्कालिक है, क्योंकि वो प्रकृति ने नहीं बनाई है बल्कि मानव इतिहास से उपजी है। जो मनुष्यों ने इतिहास में रचा है उसे भविष्य में वे उलट भी सकते हैं। जब स्थायी और पक्की दिखने वाली चीज को आप संदेह की दृष्टि से देखते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि वो बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। संदेह लोगों को यह आत्मविश्वास देता है कि आप जीत सकते हैं। थिएटर यह भूमिका अदा कर सकता है, वो संदेह के बीज बो सकता है और इस तरह नाउम्मीद लोगों में उम्मीद और आत्मविश्वास पैदा कर सकता है। दूसरी बात, जब मार्क्स व्याख्या और परिवर्तन को एक दूसरे के सामने रखते हैं तो संभवतः उनका इशारा इस बात की तरफ है कि व्याख्या के दो परस्पर विलोम तरीके हो सकते हैं। एक है यथार्थ के भीतर व्याख्या और दूसरी प्रस्तुत यथार्थ के परे जाने वाली व्याख्या। एक मिसाल देता हूं। 1998 में हमने जिन्हें यकीन नहीं था नाटक किया था। इसमें हड़ताल के दौरान एक कारखाने में मालिक काम करवाने के लिए कुछ मजदूर ढूंढ लाता है। वे हड़ताल तोड़क या स्ट्राइक ब्रेकर मजदूर हैं। बाहर हड़ताली मजदूर फैक्ट्री की बिजली की लाइन काट देते हैं। अब स्ट्राइक ब्रेकर्स भीतर फंस जाते हैं, ना तो वो काम कर सकते हैं क्योंकि बिजली नहीं है, और ना ही घर जा सकते हैं क्योंकि बाहर हड़ताली मजदूरों ने घेरा डाला हुआ है। उन्हें जाड़े की रात फैक्ट्री में ही काटनी है। वक्त काटने के लिए वो एक बर्बर राजा और उसके अति सहनशील गुलाम के बारे में कहानी बुनने लगते हैं। राजा कितनी भी क्रूरता करे, उसका गुलाम हमेशा सिर झुकाकर उसकी बात मान लेता है। यह कहानी 3 कड़ियों में आगे बढ़ती है और हर कड़ी में राजा का कमीनापन बढ़ता जाता है।
मजदूर कहानी के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करते हैं और धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि राजा एक ऐसा निरंकुश आदमी है जिसमें इंसानियत का एक रेशा भी नहीं है। तब आखिर में एक मजदूर बाकियों के सामने यह सवाल रखता है, अगर तुम्हें इनमें से कोई एक बनने का, यानी राजा या गुलाम बनने का मौका मिले तो तुम में से कौन क्या बनेगा? ज्यादातर मजदूर राजा बनना पसंद करते हैं, हालांकि वे उससे नफरत करते हैं। एक मजदूर है जो गुलाम बनना चुनता है। बाकी मजदूर उसका मजाक उड़ाते हैं, मगर आगे का घटनाक्रम उन्हें इस बात का एहसास कराता है कि असल में तो यह सवाल ही बेतुका है। अपनी जिंदगियों में उनके पास राजा बनने या ना बनने का विकल्प ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि उनके पास गुलाम बनने के अलावा और कोई चारा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वे गुलाम न बनने का चुनाव भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि वे उस शोषक व्यवस्था को खारिज करने का फैसला ले सकते हैं जो उन्हें अपना शिकार बना रहा है। व्याख्या और परिवर्तन के बारे में मार्क्स के इस वक्तव्य को पढ़ने का एक तरीका इन अर्थों में देखा जा सकता है। जब मजदूरों को राजा और गुलाम में से कोई एक बनने का फैसला लेना पड़ता है तो वे उस शोषण परक व्यवस्था के भीतर खड़े होकर उस यथार्थ की व्याख्या कर रहे हैं, मगर जब वे महसूस करते हैं कि राजा बनने का विकल्प तो उनके पास है ही नहीं और वे गुलाम बनने की नियति को भी खारिज कर सकते हैं, तो वे इस यथार्थ की व्याख्या एक वैकल्पिक यथार्थ सामने रखकर करते हैं। ऐसी वैकल्पिक व्याख्या जो पहले वाली व्याख्या को बुनियादी तौर पर उलट देती है, पहले वाली शोषक परक व्याख्या के पार जाकर एक ऐसे नए यथार्थ की कल्पना करके जो तत्काल भले ही मौजूद ना हो लेकिन आने वाले युग का यथार्थ बनने की संभावना रखता हो। किसी ने कहा था कि कम्युनिस्ट भविष्य के निर्वासित होते हैं, दे आर एग्जाइल्स फ्रॉम द फ्यूचर। हम वर्तमान में रहते हैं, मगर हमारा काम है इस वर्तमान की सरहद की बार बार अवहेलना करना। थिएटर हमें खोखले सपने या यूटोपिया के रूप में नहीं, बल्कि एक ठोस यथार्थ के रूप में, संभव वास्तविकता के रूप में उस लोकातीत भविष्य को देखने में, उसकी कल्पना बुनने में मदद देता है। सफदर की हत्या के बाद 4 जनवरी को जब हम हल्ला बोल परफॉर्म करने गए तो उस कार्यक्रम में परचम के गीतों में एक ये था, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये एक शहीद के लिए सबसे सटीक श्रद्धांजलि थी, क्योंकि सफदर ठीक वही था, भविष्य का निष्कासित, एन एग्जाइल फ्रॉम द फ्यूचर, थिएटर का स्पार्टिकस, एक ऐसा अविश्वासी जो अन्याय के स्थायित्व में अपने गहरे संदेह के चलते इस आशय की एक अविचल आस्था से ओतप्रोत हो चुका था कि एक न्याय संगत दुनिया की रचना होकर रहेगी यहीं और अभी। हल्ला बोल सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी के लेखक हैं सुधन्वा देशपांडे,
मूल अंग्रेजी से हिंदुस्तानी अनुवाद योगेंद्र दत्त, इस किताब के अंग्रेजी प्रकाशक हैं लेफ्टवर्ड बुक्स और हिंदी प्रकाशक हैं वाम प्रकाशन, इस पॉडकास्ट के प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं हिमांशु सिंह, साउंड एडिटर ध्रुव राय, फोटोग्राफर तपेश शर्मा, ग्राफिक डिज़ाइन शरणा दस्तूर। पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हर्ट साउंड स्टूडियो नई दिल्ली में हुई है। साउंड रिकॉर्डिंग और मास्टरिंग मोहम्मद हसन सिद्दीकी उर्फ हसन भाई, सिग्नेचर ट्यून MD पल्लवी। ऑडियो इंटरव्यूज़ के लिए आभार जननाट्य मंच और सुधन्वा देशपांडे। अन्य आभार काजल घोष, परचम, जननाट्य मंच, बेफुट, समीरा अयंगर, विनुता माल्या, हसन भाई का पूरा परिवार, अमृता सुभाष, रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह। इस एपिसोड में आवाज़ें सुधन्वा देशपांडे, वृंदा करत, मुलोयश्री हाशमी, PMS ग्रीवाल और सानिया हाशमी। पॉडकास्ट के निर्देशक हैं आशीष पालीवाल और सुधन्वा देशपांडे और निर्माता हैं आशीष पालीवाल।